यहाँ पर इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट है, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट यहाँ पर है। आउटपुट वोल्टेज को इस प्रीसेट से कम ज़्यादा सेट कर सकते हैं ऐसे, और आउटपुट करंट को इस प्रीसेट से कम ज़्यादा ऐसे सेट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों यहाँ पर ये सर्किट है, ये बक कन्वर्टर का सर्किट है और इस बक कन्वर्टर के सर्किट को डिजाइन किया है। ये आईसी है TL494 में ये आईसी आती है, PWM आईसी। इस आईसी से आप बैटरी चार्जर इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर, बैडिंग इन्वर्टर, SMPS बूस्ट कन्वर्टर, जो भी सर्किट डिजाइन करना चाहते हैं वो आसानी से आप इस आईसी से कर सकते हैं। लेकिन आपको इस आईसी के बारे में जानकारी होगी तभी आप कर सकते हैं। आज का वीडियो इसी आईसी के ऊपर है। इस आईसी से वोल्टेज को कैसे एडजस्ट करते हैं, करंट को कैसे एडजस्ट करते हैं, इससे सिंगल आउटपुट और ड्यूअल आउटपुट कैसे लेते हैं, जो भी इस आईसी के बारे में जानकारी है मैं आज आपको इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करूंगा। अब सबसे पहले बात करते हैं आईसी के पिन के बारे में। ये आईसी है, ये TL494 आईसी है और ये डिप के अंदर है, SMD में भी आती है। ये यहाँ पर देखेंगे ये कट का निशान है और ठीक कट के निशान के नीचे ये डॉट का निशान है। यहाँ पर ये पिन नंबर 1 है और ये 8 नंबर है, 9 नंबर और 16 नंबर पिन है। और ये आईसी TL494 भी आती है, NCB494 और KAP7500। इन तीनों आईसीयों को आपस में लगा सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से काम करती है जैसे TL494 काम करती है। अब यहाँ पर इस आईसी को चालू करने के लिए सप्लाई देते हैं, वो पिन नंबर 7 पर ग्राउंड की सप्लाई देंगे और पिन नंबर 12 पर पॉजिटिव सप्लाई देंगे। वह सप्लाई 8 वोल्ट से लेकर के 32 वोल्ट तक सप्लाई दे सकते हैं। अब आगे देखते हैं, इस आईसी में दो कंपैरेटर बने हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर है इस आईसी के अंदर। एक कंपैरेटर से आउटपुट में वोल्टेज सेट कर सकते हैं और दूसरे कंपैरेटर से आउटपुट में करंट को भी सेट कर सकते हैं। पिन नंबर 3 इसकी कंपनसेशन पिन है, आउटपुट में वोल्टेज फीडबैक देके इससे भी कंट्रोल कर सकते हैं आउटपुट को। पिन नंबर 4 डेड टाइम कंट्रोल पिन है। डेड टाइम क्या होता है, जब ये आईसी पुश पुल मोड पे होती है, जब ये दो ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ होते हैं और दोनों ट्रांजिस्टरों के ऑन ऑफ होने का जो बीच का टाइम होता है, यानी पहला ट्रांजिस्टर ऑन हुआ, दूसरा ऑफ हुआ, दूसरा ऑफ हुआ, पहला ऑन हुआ, इन दोनों के बीच के अंदर कितना डेड टाइम होना चाहिए, उस डेड टाइम को ये डिसाइड करती है पिन नंबर 4। अगर ये पिन नंबर 4 ग्राउंड होगी तब इसका मिनिमम डेड टाइम होगा। पिन नंबर 4 पर जैसे जैसे वोल्टेज आएगा इसका डेड टाइम बढ़ता जाएगा। एक वोल्टेज का लेवल है इसका 2.8 के लगभग, इसका फुल डेड टाइम हो जाएगा, यानी दोनों ट्रांजिस्टर बिल्कुल ऑफ हो जाएंगे। और इस पिन नंबर 4 पर किसी भी माइक्रो कंट्रोलर से सिग्नल देने के लिए, इसको ऑफ कराने के लिए यहाँ पर सिग्नल दे सकते हैं। जैसे ही पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई आई, फौरन से बंद कर देगी और ग्राउंड आया ऑन हो जाएगी। और इसी पिन से इस आईसी को सॉफ्ट स्टार्ट भी करा सकते हैं, यानी स्मूथली स्टार्ट, यानी धीरे धीरे स्टार्ट भी करा सकते हैं। इस पर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस और वी रेफरेंस के साथ में जोड़ देंगे तो सॉफ्ट स्टार्ट भी हो जाएगी। इस आईसी के अंदर जो PWM फ्रीक्वेंसी होती है उसको डिसाइड करने का काम पिन नंबर 5 और 6 करती है। पिन नंबर 5 पर कैपेसिटर लगेगा और पिन नंबर 6 पर रेजिस्टेंस लगेंगी। पिन नंबर 8, 9, 10 और 11 PWM आउटपुट लेने के लिए इन पिनों से ही आउटपुट लेंगे। पिन नंबर 13 इसकी आउटपुट कंट्रोल पिन है, इसको वी रेफरेंस के साथ में जोड़ेंगे, यानी पिन नंबर 13 पर 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो ये पुश पुल के आउटपुट देगी। एक ट्रांजिस्टर ऑन होगा, दूसरा ऑफ होगा, दूसरा ऑफ होगा, पहला ऑन होगा, यानी पुश पुल के आउटपुट मिलेगी। पिन नंबर 13 को अगर ग्राउंड कर देते हैं तो यहाँ पर ये दोनों ट्रांजिस्टर एक साथ ऑन होंगे और एक साथ ऑफ होंगे, इससे सिंगल एंडेड की आउटपुट मिलेगी। पिन नंबर 14 वी रेफरेंस आउटपुट पिन है इसकी, इस पर एक 5 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। वह 5 वोल्ट की सप्लाई 4.8 भी हो सकती है या 5.3 वोल्ट भी हो सकती है, चाहे इनपुट 8 वोल्ट से लेकर के 32 वोल्टेज हो, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा वो फिक्स ही मिलेगा। और इस वोल्टेज से यहाँ पर ये कंपैरेटर है, इनको वी रेफरेंस का वोल्टेज सेट कर सकते हैं इस वी रेफरेंस वोल्टेज से। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर ये आउटपुट के ट्रांजिस्टर हैं जहाँ से PWM के आउटपुट लेते हैं। अगर पिन नंबर 13 को 5 वोल्ट के साथ में ग्राउंड करते हैं तो पुश पुल आउटपुट इस प्रकार से ले सकते हैं। पॉजिटिव से रेजिस्टेंस लगा करके आउटपुट इस प्रकार से ले सकते हैं और नेगेटिव से रेजिस्टेंस लगा करके इस प्रकार से आउटपुट ले सकते हैं, ड्यूअल आउटपुट।
सिंगल आउटपुट इस प्रकार से ले सकते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव में रेजिस्टेंस है और यहाँ पर नेगेटिव में रेजिस्टेंस है। यहाँ पर देखेंगे इस आईसी का जो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी होती है उसको निकालने के ये फार्मूले हैं। यहाँ पर अगर इस आईसी को सिंगल एंडेड के लिए डिजाइन करते हैं तो यहाँ पर इसका फार्मूला ये लगेगा। यहाँ पर 1 का मान 1.1 भी लिख सकते हैं, लगभग इसमें फ्रीक्वेंसी आएगी वो किलोहर्ट्ज के अंदर ही फ्रीक्वेंसी आएगी। और पुशपुल के लिए डिजाइन करते हैं तो ये फार्मूला लगेगा, इसके लिए इसकी आधी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी यानी 10 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। और जैसे 20 किलोहर्ट्ज की अपने को फ्रीक्वेंसी चाहिए आउटपुट में और अपने पास कैपेसिटर का मान 0.01 ओम है, 20 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए जो आरटी का मान आएगा वो 50 किलो ओम आएगा। यहाँ पर जो फार्मूले में है वो डायरेक्ट ही किलो ओम में लिखेंगे इसको, यहाँ पर केवल उदाहरण के लिए ही ये कैपेसिटर का मान और रेजिस्टेंस का मान लिख रखा है। कैपेसिटर के मान को माइक्रोफेरेड में लिखेंगे और रेजिस्टेंस के मान को किलो ओम में ही लिखेंगे, तो आउटपुट में जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो किलो हर्ट्ज में ही आएगी और रेजिस्टेंस का मान भी किलो ओम में ही आएगा। इसका सिंगल एंडेड के लिए जो इसका ड्यूटी साइकिल है मैक्सिमम वो 97-98% के लगभग आता है, और इसका पुश पुल पे अगर इसको डिज़ाइन करते हैं तो 47-48 या 49% तक मैक्सिमम इसका ड्यूटी साइकिल जाता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर मैंने एक सर्किट डिज़ाइन कर रखा है, बक कन्वर्टर के लिए डिज़ाइन किया है, और इसमें जो यहाँ पर ये आउटपुट के अंदर ये चार ट्रांजिस्टर लगा रखे हैं BD 139 और 140, यहाँ पर ये पुश पुल के लिए डिज़ाइन कर रखा है। मैंने केवल एक ही चैनल काम में लिया है, इस चैनल को खाली छोड़ेंगे अभी, फिर कभी वीडियो के अंदर इसको पुश पुल पे डिज़ाइन कैसे करते हैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। अब यहाँ पर देखेंगे इसकी पिन नंबर 4 पर एक रेजिस्टेंस लगा रखी है 47 किलो ओम, और इस रेजिस्टेंस के आगे पिन नंबर 4 पर एक कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर को डायरेक्ट वी रेफरेंस के साथ में जोड़ रखा है। यहाँ पर इस कैपेसिटर का काम यह होता है, जब भी ये आईसी ऑन होती है तो ये सॉफ्ट स्टार्ट का काम करती है, और इस कैपेसिटर के मान को जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो सॉफ्ट स्टार्ट का टाइम भी बढ़ेगा। और अगर इसको नहीं लगाते हैं, इस पिन को डायरेक्ट ही ग्राउंड कर देते हैं, तो जैसे फौरन से इसको सप्लाई दी तो फौरन से गेट के ऊपर पल्स आएगी और फौरन से ही ये मोसफेट ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सॉफ्ट स्टार्ट के लिए ये सर्किट है, और पिन नंबर 6 पर एक प्रीसेट है 100 किलो ओम का, इससे फ्रीक्वेंसी को सेट करेंगे। यहाँ पर 2.2 नैनोफैरेड का कैपेसिटर है फ्रीक्वेंसी के लिए। पिन नंबर 2 पर 1 वोल्टेज का रेफरेंस सेट कर रखा है, और पिन नंबर 1 इसकी फीडबैक वोल्टेज फीडबैक पिन है। यह वोल्टेज इस फोटोकपलर से आएगा, इसका फीडबैक यहाँ पर +5 वोल्ट यानी वी रेफरेंस के साथ में है, और जैसे ये फोटोकपलर ऑन होगा तो इसको सिग्नल दे देगा, तो अपने ये पिन नंबर 9 और 10 पे ये ड्यूटी साइकिल को कम कर देगी और आउटपुट को अपने आप ही कम कर देगी। यहाँ पर पिन नंबर 16 को ग्राउंड कर रखा है। पिन नंबर 15 है, इस पर करंट कंट्रोल के लिए एक रेफरेंस वोल्टेज सेट करते हैं, जितने वोल्टेज यहाँ पर सेट करेंगे उसके अनुसार ही आउटपुट में करंट होगा। जैसे यहाँ पर 0.01 ओम की रेजिस्टेंस है, और पिन नंबर 15 पर 0.1 वोल्ट का अगर सिग्नल सेट करते हैं तो आउटपुट में करंट आएगा वो 10 एम्पियर आएगा। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, इसके मान को 0.1 ओम या 0.01 ओम ये लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा ओम की रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हैवी करंट पर ये गर्म होकर ख़राब भी हो सकती है और काफ़ी हीट भी होगी, इसको कम से कम मान के रेजिस्टेंस लगाएंगे। और यहाँ पर जो रेफरेंस वोल्टेज है वो भी काफ़ी कम सेट करेंगे, जैसे यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के मान को निकालना है तो इसके लिए पिन नंबर 15 पर 0.1 वोल्टेज का अगर सिग्नल देते हैं यहाँ पर 0.1 वोल्टेज का, और आउटपुट में अपने को मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर चाहिए जैसे, तो इसकी जो रेजिस्टेंस आएगी वो 0.01 ओम की रेजिस्टेंस लगानी होगी। यहाँ पर ये संट रेजिस्टेंस 0.01 ओम की रेजिस्टेंस लगेगी। और इस आईसी को जो ग्राउंड की सप्लाई देंगे, जो बाहर से सप्लाई होती है वो ग्राउंड की सप्लाई यहाँ पर देंगे और प्लस की यहाँ पर देंगे, और इसकी वीसीसी सप्लाई जो देंगे वो 8 वोल्ट से लगभग 32 वोल्टेज तक ये सप्लाई दे सकते हैं, और यहाँ पर ये सप्लाई ज़्यादा भी ले सकते हैं, 50 वोल्टेज से जो भी हो सप्लाई ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ग्राउंड है, ये केवल इस आईसी का ही ग्राउंड है, इसको यहाँ से ग्राउंड करेंगे जब ये करंट कंट्रोल का काम सही कर पाएगी। आगे देखते हैं इसको और टेस्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये आईसी है, मैंने इस बोर्ड के अंदर लगा रखी है ताकि टेस्ट करने में सुविधा हो। ये ट्रांजिस्टर BD 139 और 140 ये ट्रांजिस्टर है, आउटपुट यहाँ से मिलेगी इसकी PWM आउटपुट,
और यहाँ पर VCC वोल्टेज देंगे इसमें। ये करंट कंट्रोल के लिए है और यहाँ पर ये दो टर्मिनल फीडबैक वोल्टेज के लिए है। अब यहाँ पर इस बोर्ड को चालू करेंगे, उसके लिए सप्लाई ली है 15 वोल्ट की और इसको ऑन करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आउटपुट की LED है, बिल्कुल सॉफ्ट स्टार्ट होती है, ये धीरे धीरे स्मूथली स्टार्ट होती है। इससे ये फ़ायदा होता है कि कोई भी MOSFET ऑन होता है तो वो फ़ौरन से ऑन नहीं होता और ख़राब भी नहीं होता जल्दी से, सॉफ्ट स्टार्ट का यही फायदा होता है। अब इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। पहले यहाँ पर इसका ड्यूटी साइकिल है 97% आ रहा है मैक्सिमम, और इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 80 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है। और इस फ्रीक्वेंसी को इस प्रीसेट से भी सेट कर सकते हैं, ऐसे कम भी कर सकते हैं ऐसे। इसको 55 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे कर दिया है, और भी सेट कर सकते हैं इसको, 50 भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर पिन नंबर 2 पर जो वोल्टेज टेस्ट करेंगे वो भी टेस्ट करते हैं। पिन नंबर 2 पर 0.97 वोल्टेज आ रहे हैं, जो कि मैंने रेफरेंस वोल्टेज सेट कर रखा है। पिन नंबर 1 पर कोई वोल्टेज नहीं है क्योंकि अभी तक फीडबैक वोल्टेज नहीं जोड़ा है इससे, और जैसे ही पिन नंबर 1 और 2 को आपस में मिलाएंगे तो आउटपुट बंद हो जाएगी। इस प्रकार से आउटपुट को कंट्रोल करता है। पिन नंबर 15 पर वोल्टेज सेट है, 0.2 वोल्टेज सेट है। इस प्रीसेट से और भी कम सेट कर सकते हैं, ऐसे बढ़ा भी सकते हैं इसको। जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ेगा पिन नंबर 15 पर, वैसे वैसे इसका करंट, आउटपुट करंट बढ़ेगा। पिन नंबर 4 पर वोल्टेज टेस्ट करते हैं। पिन नंबर 4 पर 0 वोल्टेज है। अब मैं इसको बंद करता हूँ, जैसे ही चलाता हूँ तो थोड़े वोल्टेज आएंगे, फिर बाद में धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इससे सॉफ्ट स्टार्ट का काम ऐसे होता है। जैसे ही कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा आउटपुट में, फुल ड्यूटी साइकिल हो जाएगा इसका। अब पिन नंबर 4 पर जो वोल्टेज देते हैं उसको टेस्ट करते हैं, कितने वोल्टेज पे इसकी आउटपुट बंद होती है। इसके लिए एक पोटेंशियोमीटर लेते हैं, इसको मैं वी रेफरेंस के साथ में जोड़ देता हूँ, दूसरे को ग्राउंड पे जोड़ता हूँ, और पोटेंशियोमीटर वाला जो बीच वाला सिरा है इसको पिन नंबर 4 के साथ में जोड़ देता हूँ यहाँ पर। अभी यहाँ पर पिन नंबर 4 पर देखेंगे तो 0 वोल्टेज है अभी पिन नंबर 4 पर, और जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो ये आउटपुट भी इसकी कम होगी, और इसको 2.8 वोल्टेज पर ले जाएंगे तो आउटपुट बिल्कुल बंद हो जाएगी इसकी, ये आउटपुट बंद हो गई है इसकी, 2.5 से स्टार्ट हो गई इसकी कम होना, और जैसे जैसे इसको कम करेंगे तो वापस ये आउटपुट चालू हो जाएगी। इस पिन नंबर 4 को अलग से भी कमांड दे सकते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, इसको स्विच का काम भी करा सकते हैं इससे। अब आगे इस बोर्ड को बक कन्वर्टर के सर्किट में जोड़ते हैं, आगे MOSFET स्विचिंग कैसे करता है और देखते हैं आगे। अभी मैंने पिन नंबर 13 को ग्राउंड के साथ में जोड़ रखा है और इसको सिंगल एंडेड सप्लाई पे ही चालू कर रखा है। अब यहाँ पर इस सर्किट डायग्राम को थोड़ा और देखेंगे एक बार। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, वो ये रेजिस्टेंस है, और ये MOSFET यहाँ पर लगा रखा है, और ये डायोड है, और इंडक्टर यहाँ पर लगा रखा है, और आउटपुट वोल्टेज फीडबैक के लिए ये प्लस माइनस है, फीडबैक का ग्राउंड जोड़ देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे जो रेजिस्टेंस है इसका करंट का कंट्रोल करने के लिए, जो रेजिस्टेंस में इसमें ग्राउंड की सप्लाई इधर से देंगे तो इसको यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर जो पिन नंबर 15 से एक वायर है इसको रेजिस्टेंस के आगे जोड़ेंगे यहाँ पर, ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, और इस MOSFET के गेट को यहाँ पर डाल देते हैं, और IC का, इस बोर्ड का जो ग्राउंड है
उसको रेजिस्टेंस के इस पिन पर लगाएंगे, 2 और 1 पर वोल्टेज टेस्ट करते हैं। पिन नंबर 2 पर जो रेफरेंस वोल्टेज सेट किया था वो 0.98 वोल्टेज है, पिन नंबर 1 पर 0.97 वोल्टेज आ रहे हैं, और जैसे ही इस पर 0.97 वोल्टेज से अगर अधिक आता है तो ये ड्यूटी साइकिल को बिल्कुल कम कर देगी और आउटपुट में वोल्टेज को एडजस्ट कर देगी। पिन नंबर 15 पर वोल्टेज सेट करते हैं, वो यहाँ से मिली वोल्टेज में सेट करेंगे। अभी यहाँ पर 8 मिली वोल्टेज सेट हैं पिन नंबर 15 पर, और आउटपुट में वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। अब आउटपुट पर 18 वोल्टेज है, और जैसे ही मैं इसको लोड को कनेक्ट करूँगा तो ये वोल्टेज कम हो रहे हैं। ऐसे ये वोल्टेज कम हो रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये करंट है काफ़ी कम पे सेट कर रखा है। इसको मैं यहाँ से बढ़ाऊँगा तो ये वोल्टेज वापस बढ़ जाएंगे ये ऐसे, और इससे करंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे। और जैसे ही मैं वापस लोड को हटाऊंगा तो वोल्टेज का लेवल वही रहेगा जो पहले सेट किया था। ठीक यहाँ पर ठीक सर्किट डायग्राम की तरह सभी कंपोनेंट को लगा दिया है। अब इसको टेस्ट करते हैं। इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट इस मीटर में आएगा, आउटपुट वोल्टेज इसमें आएगा और आउटपुट करंट इसमें आएगा। आउटपुट पर कोई लोड नहीं है, आउटपुट पर 11.8 वोल्टेज सेट है। इसको यहाँ से और सेट कर सकते हैं, जैसे मैं इसको 12.1 वोल्टेज पे सेट कर देता हूँ। और अब इनपुट को कम ज़्यादा करता हूँ, आउटपुट में वोल्टेज चेंज होते हैं क्या? इनपुट पर 52 वोल्टेज आ गए हैं और आउटपुट में वोल्टेज कांस्टेंट ही है। यहाँ पर देखेंगे 30 वोल्टेज है और भी कम हो गए हैं, लेकिन आउटपुट में कांस्टेंट वोल्टेज है। अब मैं इसमें थोड़ा लोड लगाता हूँ। अब यहाँ पर लोड लगा दिया है, उसका करंट 0.5 एम्पियर आ रहा है। आउटपुट में 12.2 वोल्टेज है। इनपुट को चेंज करते हैं कम ज़्यादा। इनपुट 55 वोल्टेज कर दी है और आउटपुट में 12.3 वोल्टेज है। अब इनपुट को कम करते हैं, इनपुट को 25 वोल्ट से 50 वोल्टेज तक सेट कर दिया है, लेकिन आउटपुट में वोल्टेज कांस्टेंट ही रहते हैं। अब मैं इनपुट को 43 वोल्टेज पे सेट कर दिया है। अब इसमें करंट को भी कंट्रोल करके और देखते हैं। अभी ये लोड थोड़ा कम है, 0.5 एम्पियर। अब लोड को बढ़ाते हैं, यहाँ पर 4 एम्पियर करंट आ गया है। आउटपुट में 4 एम्पियर करंट है और इनपुट पर देखेंगे तो 2.7 एम्पियर है, यानी ये थोड़े बहुत करंट को भी बूस्ट कर रहा है। इस प्रीसेट से इस करंट को कम करेंगे ऐसे, आउटपुट करंट को 2.5 एम्पियर पे सेट कर दिया है। अब जैसे ही इस लोड को हटाएंगे तो वोल्टेज वही रहेंगे। ये करंट कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है, आउटपुट में वोल्टेज फिक्स है, लेकिन जैसे ही इसको ज़्यादा हैवी लोड पे लगाएंगे तो ये वोल्टेज लॉस हो जाएंगे इसके और करंट कंट्रोल हो जाएगा ऐसे। इसको शॉर्ट सर्किट भी करके देखते हैं, 4.9 एम्पियर आ रहा है शॉर्ट सर्किट पे। इनपुट करंट इसका 0.7 एम्पियर है। और अब मैं करंट को वापस बढ़ाता हूँ इसका, दोस्तों आपने यहाँ पर देखा TL494 IC लगा करके कैसे बक कन्वर्टर बनाते हैं। दोस्तों आने वाली वीडियो के अंदर इससे बूस्ट कन्वर्टर कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको जल्दी बताऊंगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, आप इस चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।